सोम सरोवर गांव में मीनू अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब मकर संक्रांति का दिन नजदीक आया तो उसका भी मन हुआ कि इस बार वो भी पतंग उड़ाए। पापा, इस बार मकर संक्रांति पर आप मुझे भी ढेर सारी पतंग ला कर देना। मेरा भी मन है कि मैं भी पतंग उड़ाऊं। इस बार पापा के पास पैसों की थोड़ी कमी रहती है। मम्मी उसको टालने के लिए बोलती है, अरे बेटा, पतंग तो लड़के उड़ाते हैं। तुम लड्डू बनाने में मेरी मदद करना और उसको एरिया के बच्चों में बांटना। ये सुनकर मीनू उदास हो जाती है और बोलती है, लेकिन जब लड़कियों का मन करे तो उनको भी तो पतंग उड़ाने का मौका मिलना चाहिए। सुनकर मम्मी और पापा कुछ नहीं बोलते और मीनू अपने कमरे में चली जाती है। मीनू अपने कमरे में लगी बाल गणेश की मूर्ति के पास जाती है और कहती है, गणेशा, मेरा भी पतंग उड़ाने का मन है। प्लीज इस बार मकर संक्रांति पर मुझे भी पतंग दिलवा देना। कहकर मीनू आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद मीनू अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। कुछ दिन बाद जब मकर संक्रांति का दिन आता है तो सुबह से ही मोहल्ले में पतंगों के उड़ने का शोर होने लगता है। मीनू की जब आंख खुलती है तो मम्मी उसके लिए हाथों में लड्डू लिए खड़ी रहती हैं। ये लो बेटा, हैप्पी मकर संक्रांति, कहते हुए मम्मी उसको लड्डू देती हैं और मीनू बिस्तर से उठकर खुश होते हुए उन्हें खाने लगती है। फिर मीनू छत पर जाती है तो देखती है कि आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं। मोहल्ले के सभी लोग अपनी अपनी छतों से पतंगे उड़ा रहे हैं। ये देखकर उसका भी मन होता है कि वो भी पतंग उड़ाए। वो छत से उतरकर वापस मम्मी के पास जाती है और उनसे पतंग के लिए बोल देती है, बेटा, सच बात तो ये है कि इस बार त्योहार के मौके पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए एक पतंग ले ही आता हूँ। पापा की बात सुनकर मीनू खुश हो जाती है और पापा तभी उठकर बाहर चले जाते हैं। मीनू बेसब्री से उनके वापस आने का इंतजार करने लगती है। फिर एक घंटे बाद उसके पापा घर वापस आते हैं। उनके हाथ में एक पतंग और चरखी होती है जिसे देखकर मीनू खुश हो जाती है। थैंक यू पापा। मीनू के साथ मम्मी और पापा भी छत पर चले जाते हैं और उसको खुश होकर पतंग उड़ाते देख वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। तभी पड़ोस की छत पर खड़े राजू की नजर उस पर पड़ती है तो वो बोलता है, हे मीनू, तुम भी पतंग उड़ा रही हो, क्या एक पेंच मेरे साथ लड़ाओगी? सुनकर मीनू से पहले उसके पापा बोल पड़ते हैं, नहीं राजू बेटा, मीनू के पास बस एक ही पतंग है, अगर कट गई तो वो फिर से उदास हो जाएगी, तुम अपने और दोस्तों से पेंच लड़ाओ। सुनकर राजू चुप हो जाता है। आप कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? नीचे चलिए और घर के कामों में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, चलो, कहकर मम्मी और पापा नीचे चले जाते हैं। अब राजू को मस्ती सूझती है और वो जानबूझकर मीनू की पतंग काट देता है। जैसे ही उसकी पतंग कटती है मीनू उदास हो जाती है। ये क्या, मेरे पास एक ही पतंग थी, तुमने उसे भी काट दिया, अब मैं क्या करूंगी? ओह सॉरी, गलती से कट गई। कहकर राजू हंसने लगता है और फिर मीनू उदास होकर नीचे चली जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ, नीचे कैसे आ गई? उस राजू के बच्चे ने मेरी पतंग काट दी। सुनकर मम्मी और पापा एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, क्योंकि अब पापा के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फिर से उसके लिए पतंग खरीद कर लाएं। मीनू आगे कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। गणेशा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बार मुझे भी पतंग उड़ाने का मौका देना, लेकिन उस राजू ने मुझे 5 मिनट भी नहीं उड़ाने दी। कहते हुए मीनू की आंखों में आंसू छलक आते हैं। तभी खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आता है और उसके साथ एक कटी पतंग मीनू के बेड पर आकर गिरती है। मीनू खुश होकर उस पतंग को उठाती है तो देखती है कि उस पतंग पर बाल गणेश की फोटो छपी है। थैंक यू सो मच गणेशा।
वो खुशी से चिल्लाती है और फिर उस पतंग को लेकर छत पर चली जाती है। मम्मी पापा ये देखकर हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं कि मीनू को एक नई पतंग मिल गई। राजू देखता है कि मीनू ने एक और पतंग उड़ाना शुरू कर दिया है, तो वो उसकी पतंग को काटने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी पतंग ही कट जाती है और वो ये देखकर चौंक जाता है। राजू के बच्चे, कैसा लगा पतंग कटवाकर? मीनू की बात सुनकर राजू फिर से एक और पतंग पार करता है और इस बार भी मीनू उसकी पतंग काट देती है। ये सब कैसे हो सकता है? इसकी पतंग कट क्यों नहीं रही है? अब जो भी मीनू की पतंग को काटने की कोशिश करता उसी की पतंग कट जाती है। शाम होने तक सारा आसमान खाली होने लगता है, लेकिन मीनू अभी भी अपनी पतंग को मजे के साथ उड़ाती रहती है। तभी नीचे से मम्मी की आवाज आती है, बेटा मीनू, अब शाम हो चुकी है, नीचे आ जाओ। सुनकर मीनू देखती है कि अब वैसे भी आसमान में सिर्फ उसी की पतंग उड़ रही है, इसलिए वो खुश होते हुए अपनी पतंग को नीचे उतारती है और उसको चूम कर बोलती है, थैंक यू गणेशा। कहकर मीनू पतंग को लेकर नीचे जाती है तो देखती है कि मम्मी पापा के साथ शर्मा अंकल हाथ में एक ट्रॉफी लिए खड़े हैं। शर्मा अंकल, ये ट्रॉफी किसकी है? तुम्हारी है बेटा। मीनू बेटा, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी लड़की की पतंग रात तक आसमान में उड़ती रही और सबकी पतंगों को काटती गई। ये ट्रॉफी तुम्हारी जीती हुई ट्रॉफी है। इस बार एरिया के काइट फ्लाइंग कंपटीशन की विनर हो तुम। सुनकर मीनू खुशी से चिल्लाती है और मम्मी पापा उसको देखकर खुश हो जाते हैं। फिर मीनू ट्रॉफी लेकर अपने कमरे में जाती है और बाल गणेश की मूर्ति के पास उसको रख देती है। थैंक यू गणेशा, हैप्पी मकर संक्रांति।